আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আকাশি রিক্সা টেক। তো ফ্রেন্ডস, আজ মে আপ লোগোকো ইস ভিডিও মে দিখাউঙ্গা কি আপকা আগর গাড়ি মে গাড়ি কা জো ইন্ডিকেটর হোতা হ্যায়, ইন্ডিকেটর আগর কাম নেই করতা তো আপ ক্যাসে ইসকো ঠিক করোগে, আর ইসকা জো জগা হোতা হ্যায় কন কন জগা মে আপকো চেক করনা হোগা, এ পুরা ডিটেলস আপকো ইস ভিডিও মে মিলেগা। তো ইস ভিডিও কো পুরো এন্ড তক দেখিয়ে, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में जो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। तो फ्रेंड देखिए, इसका हेडलाइट भी जल रहा है लेकिन इंडिकेटर देने से कोई भी सिग्नल शो नहीं हो रहा है। तो पहले बात तो आपको इंडिकेटर को चेक करना होगा, इंडिकेटर का जो स्विच है स्विच ठीक है कि नहीं। तो पहले इसको हम देख लिए, इसके इंडिकेटर स्विच ठीक था, ये पीछे का लाइट भी सब जल रहा है लेकिन इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है। और फ्रेंड्स, इसका जो स्विच है स्विच जो ठीक है, ये कैसे हमको पता चला? तो देखिए, जब इंडिकेटर का कोई स्विच दे रहे तो आपका फ्लैशर से आवाज़ हो रहा है लेकिन कोई भी सिग्नल का जो लाइट होता है लाइट जल रहा नहीं। देखिए, पीछे वाला लाइट कभी कभी जल रहा है और कभी कभी जल नहीं रहा, तो प्रॉब्लम क्या है उसको ही फाइंड आउट करेंगे। सामने से तो जल ही नहीं रहा तो इसको देखेंगे। और इसके अंदर एक पुश बल्ब भी रहता है। और फ्रेंड, पहले तो फ्लैशर को एक बार चेक कर लेंगे कि फ्लैशर ठीक है कि नहीं। तो ये जो फ्लैशर है, फ्लैशर ठीक है। ज़्यादातर प्रॉब्लम इस फ्लैशर से ही होता है लेकिन ये गाड़ी में फ्लैशर ठीक है, तो फ्लैशर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, इस वीडियो को पूरा तक देखिए। फ्रेंड्स, फ्लैशर से नॉनस्टॉप आवाज हो रहा है, मिल जाएगा। तो ये बीप करके आवाज नहीं हो रहा है, जो आपका कट ऑफ करके जो आवाज होता है ये फ्लैशर से अभी ये आवाज नहीं हो रहा है। तो ये होने का दो कारण होता है, एक आपका अगर फ्लैशर खराब हो जाता है इसके वजह से भी ऐसा सेम आवाज होता है, और आपका फ्लैशर अगर लोड नहीं ले पाता तब भी ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो आपको दोनों चीज ही देखना होगा कि आपका फ्लैशर ठीक है कि नहीं, या आपका फ्लैशर में लोड नहीं ले रहा। तो ये जो फ्लैशर था, ये फ्लैशर एलईडी के ऊपर काम नहीं करता। इसके लिए एक 12 वोल्ट का आपका जो छोटा पुश बल्ब होता है, पुश बल्ब को देखना होता है। ये पुश बल्ब अगर रहेगा तो ये बीप करेगा। तो देखिए, ये जो पुश बल्ब था, ये पुश बल्ब सही था। देखिए, इसका जो अंदर का फिलामेंट है, फिलामेंट ठीक है, लेकिन कभी कभी होता है कि होल्डर के वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम होता है। देखिए, अभी काम हो रहा है। तो ये होल्डर में थोड़ा लूज कनेक्शन हो रहा है, तो इसको भी ठीक कर देंगे। देखिए, अभी पूरा अच्छे से ही देखिए बीप हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि आपका प्रॉब्लम इस होल्डर में ही था। और फ्रेंड्स देखिए, पुश बल्ब का जो होल्डर है, होल्डर के अंदर दोनों ऐसा पिन रहता है, ये पिन को थोड़ा चाप के इसका गैप भी कम कर दीजिए ताकि आपका जो पुश बल्ब जब बैठेगा तो टाइट से बैठे। तो टाइट बैठने से आपका क्या होता है कि आपका पुश बल्ब और लूज भी नहीं होगा और ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी कोई लूज कनेक्शन भी नहीं हो रहा, और फ्लैशर ब्लिंकिंग भी जो होता है, बीप जो करता है, एकदम ठीक से ही बीप कर रहा है। तो सेम तरह से ही दूसरे साइड को भी ऐसे ही कर लेंगे, वो वाला साइड का भी होल्डर का ही प्रॉब्लम है। तो ये वाला दोनों चीज़ करके उसके बाद देखेंगे फिर से कोई और भी प्रॉब्लम है कि नहीं, ठीक है? तो फ्रेंड्स देखिए, इस साइड का भी होल्डर को ठीक कर लिया। तो चलिए, इसके बाद देखते हैं सामने से और कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका और एक जगह में भी प्रॉब्लम है। ये फ्लैशर का जो ऊपर का जो कपलर है, जो पिन लगा हुआ है, ये पिन में भी कभी कभी लूज हो रहा है, इसलिए भी ये फ्लैशर काम करना बंद कर दे रहा है। तो इसमें हॉर्न क्लिप लगा देंगे।
और देखते इसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। देखिए फ्रेंड, इसमें अभी वोल्टेज भी नहीं आ रहा, तो इसका वायरिंग का भी प्रॉब्लम है। इसमें जो आपका 12 वोल्ट का सप्लाई होता है, जो फ्लशर में जो 12 वोल्ट आता है, ये 12 वोल्ट सप्लाई से प्रॉब्लम हो रहा है। तो कभी कभी 12 वोल्ट आ रहा है और कभी कभी चले जा रहा है। तो इसको भी चेक कर लेंगे, इसका जो तार है, तार में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं वो भी चेक कर लेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। देखिए फ्रेंड, कभी कभी आ रहा है। अभी नहीं आ रहा। तो इसका जो वायरिंग का कनेक्शन है, इसका जो जंक्शन लाइन है 12 वोल्ट का, जहाँ से इंडिकेटर में और बहुत सारी जगह में जो 12 वोल्ट का सप्लाई जाता है, वो जंक्शन एरिया को चेक करेंगे कि उस साइड से आपका ये इंडिकेटर का जो वायर है, ये वायर टूटा है कि नहीं और लूज कनेक्शन भी हो रहा है कि नहीं, वो भी चेक कर लेंगे। तो पहले तो इसका जो ब्लैक टेप है, ब्लैक टेप को पहले उतारेंगे, उसके बाद देखते क्या है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स देखिए, मेन जो जंक्शन का एरिया है वहाँ से भी जब देख रहे तो इसका जो वोल्टेज फ्लैक्चुएट हो रहा है। तो ये जो तार है, ये तार में ही प्रॉब्लम है कहीं पे, ये तार को चेंज कर देंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, तार लगाने के बाद देखिए अभी पूरा प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है, का 12 पॉइंट ऐसा कुछ आ रहा है। फ्लशर का जो पिन था, ये पिन को भी चेंज कर देंगे, ये पिन चेंज करके इसमें हॉर्न क्लिप लगा देंगे। तो लूज कनेक्शन होने के लिए जो जो जगह होता है, पिन एरिया, जंक्शन एरिया, जो जो है, सब जगह को ही आपको चेक करना होगा, ताकि कोई भी प्रॉब्लम दोबारा से ना हो। ठीक है, तो एक जगह में प्रॉब्लम था, मैं दोनों जगह का ही चेंज कर दिया, ताकि नेक्स्ट टाइम में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए। ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो फ्लशर, ये आपका टू पिन फ्लशर है, इसमें एक जगह में आपका 12 वोल्ट सप्लाई जाता है और एक से आपका 12 वोल्ट सप्लाई बाहर आता है, जो आपका कॉम्बिनेशन स्विच में जाएगा। वायरिंग चेक करने का जो पूरा काम था, फुल कंप्लीट हो गया। तो अभी इसको पूरा फुल फिटिंग कर देंगे। अब देखिए दोनों साइड में आपका फुल इंडिकेटर जो लाइट होता है, फुल काम हो रहा है। तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी करिए। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में। अस्सलाम।